ठंड बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है, मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, हाइट बहुत ज़्यादा है। अब ले आओ पास में। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या डाला है। ये देखो गाइस, आज के दिन की शुरुआत हो रही है सात ताल से। सात ताल पर हम बनाने वाले हैं आज मैगी, और जो मैगी बनने वाली है ना वो इस ब्यूटीफुल से लोकेशन के साथ बनने वाली है, मतलब अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। बर्फ में बनाएंगे मैगी, और जो मैगी बनेगी वो भी बर्फ से ही बनेगी। बाकी मेरे साथ में है हमारे गाइड मनोज भाई, जो कि हमको यहाँ तक लेकर के आई थी प्यारी लोकेशन तक, तो शुक्रिया भाई। साथ में है अपने साथ कौन है भाई? 0135 राइडर 0135 राइडर रोहित भाई। तो रोहित भाई के साथ मैंने ये ट्रैक किया है। ये देखो गाइस, बर्फ में बर्फ ही थी क्योंकि पानी तो हम लेकर के आए नहीं थे, तो बर्फ से बनाते हैं मैगी। जल्दी से गैस को ऑन करता हूँ, बस शर्ट लगा सकता हूँ भाई। इतनी हाइट पे मैगी मैं पहली बार बना रहा हूँ। आप लोगों ने बनाई है या नहीं बनाई है वो आप लोग डिसाइड कर लेना। अपने कैंपिंग स्टोव को कुछ इस तरह से करके साइड साइड से बचाना पड़ रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। कैमरे में तो इतना नहीं पता लग रहा है, लेकिन मुझको पता लग रहा है। मैंने अब ये ओढ़ लिया है और पैर तो मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। मनोज भाई सोचा नहीं था इतने एडवेंचर करेंगे हम यहाँ पर आकर के इतनी हाइट पर। वो अभी आपने किया है पहले ऐसा कुछ? हाँ, किस कैसे सर, मतलब बर्फ में इस तरह से करके मैगी बनाना इतनी ऊपर नहीं है अभी तक नहीं। वैसे तो यहाँ पर लोकेशन बहुत अच्छी अच्छी भी है जहाँ से मतलब कि हम हवा से बच सकते हैं, लेकिन बर्फ़ में बैठ कर ही मैगी बनानी है। जिद्दी टाइप के हैं हम थोड़े ना। हाँ, हाथ बिल्कुल फ्रिज हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रिज हो चुके हैं। रोहित भाई डालो इसमें मसाले, डाल रहा हूँ भाई। तो यार अपनी मैगी तो यहाँ पर बनी रही है, ये देखो अच्छी 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 करके आधी तो पकी गई है। इसमें से स्पून को निकाल देते हैं क्योंकि हवा जो जा रही है वो बाहर जा रही है। लेकिन मेरा मन कर रहा है अपने गोप्रो को ना वाटरप्रूफ तो है ही, एक बार लेक में डुबा करके दिखाता हूँ आपको क्या प्यारा व्यू आता है। यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है यहाँ पर मैगी बनाते बनाते, क्योंकि मैगी बनने में टाइम लगना ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर है, और शाम का टाइम हो गया है, लेपर्ड्स का टाइम हो गया है और भालू का टाइम हो गया है। तो भाई बोल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तीन हैं तो वो एक बार के लिए डरेंगे, थोड़ा सा दूर ही रहेंगे हमसे, लेकिन रिस्क तो है ही, बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन ये जो व्यू है ना यार, उधर भाई लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं अपनी, ये जो व्यू है ना यार, ये जो अमेजिंग है व्यू, ये यार मैं मिस करना नहीं चाहता। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रहा हूँ यार। ये बर्फ़ वहाँ पर फिर देहरादून जा करके नहीं मिलने वाली यार, मतलब समझ सकते हो आप मेरे जो दिल में फीलिंग्स है, जो मेरी बातें हैं यार, वो आप समझ सकते हो यार। इतनी प्यारी लोकेशन है ना, क्या ही बताऊँ। फैमिली को लेकर के नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा, आपको भी सजेस्ट करूँगा अपनी फैमिली को लेकर के ही ऐसे ट्रैक करना। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है यार, लाइफ में बहुत कम मौका मिलता है इतने खूबसूरत ट्रैक करने का। इतनी पॉजिटिव वाइब्स इस नेचर के बीच में, और फिर मैगी बना रहे हैं, ऐसी ऐसी मेमोरीज़। जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैकिंग करोगे ना, तो प्लीज़ उनको कैप्चर करना और वीडियो ज़रूर बनाना मेरी तरह। और गाइस फाइनली अपनी बहुत प्यारी सी मैगी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब जल्दी से इसको बाउल में डालते हैं और जल्दी जल्दी से अपनी मैगी को इंजॉय करते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है यार, लेकिन ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी अगर हमने इसको अभी नहीं खाया। तो गाइस अपनी बढ़िया बढ़िया सी मैगी बन करके रेडी हो चुकी है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और फ्रोजन लेक के ऊपर तो नहीं बैठा हूँ, किनारे बहुत अच्छी जगह थी बैठने की, तो वहीं पर बैठते हैं, बैठा हूँ और मैगी को इन्जॉय करता हूँ। लेकिन यार सच बताऊँ तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है, मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो इस वक्त है मेरे पैर पूरा सुन्न हो चुके हैं और हाथ भी बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं। जैसे माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं ना, एक उस तरह से है भाई, सातवें ताल तक हम पहुँचे, माइलस्टोन की तरह ही एक अचीव किया। पैर बहुत ज़्यादा ठंडे, मेरी बैक भी पेन कर रही, मतलब थोड़ा सा भाई मेरे को सच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन आपकी वजह से मतलब मैं कंफर्ट हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट। थैंक यू सर। फिर मैगी बनाई, इतना बड़ा एडवेंचर किया। तो गाइस टाइम आ गया है इस प्यारी सी लोकेशन को अलविदा कहने का, तो इस प्यारी सी लोकेशन को अलविदा कहते हैं और करते हैं अपनी पैकिंग। तो गाइस बढ़िया बढ़िया सी अपनी मैगी को इन्जॉय करने के बाद और अपनी पैकिंग भी हो गई है और टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का। तो अब चलते हैं यहाँ से, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हाथ मेरे बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। गाइस बिल्कुल सुनसान घाटी है, बिल्कुल सुनसान घाटी, ये तो सात ताल है, और डर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और लेपर्ड्स का टाइम हो चुका है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ से निकल जाते हैं, लेपर्ड्स से मुकाबला मतलब शाम ना ही हो तो ही बेटर है। हेलो जी इंडिया,
गुड इवनिंग। पीछे देख सकते हो पूरा अंधेरा है, रात हो रखी है और देहरादून का लड़का करेगा आज कैंपिंग। इधर अपने लिए अपना मैंने नाइट बल्ब लगा दिया है, एक मोबाइल लगा दिया है। तो गाइस पहले कैंप को सेटअप करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे जल्दी जल्दी सेटअप करके। मुझको लग रहा था कि शायद एक लाइट कम होगी तो मैंने डबल लाइट लगा दी, एक सिंगल वहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। अब तो बहुत अच्छी खासी लाइट हो गई है। तो गाइस कुछ इस तरह से करके अपना कैंप सेटअप हो चुका है, सामान यहाँ पर रखा हुआ है, अब सामान को रखेंगे अंदर। हो थक गए थोड़ा सा कैंपिंग सेटअप करने में, मेहनत तो थोड़ी लगती है यार, लेकिन भाई जो एडवेंचर होता है ना वो बहुत हाई लेवल का होता है। तो लोकेशन तो कुछ इस तरह से करके है, ये पूरा का पूरा जो पेड़ आप देख रहे हो इस तरह से करके ये सेब के हैं। और इधर अपना बहुत प्यासा करके कैंप लग चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको पीछे से। ये देखो ये है अपना पूरा कैंप सेटअप। अब अंदर देखोगे तो अंदर हमने डाला है ब्लैंकेट और ये देखो रोहित भाई थक चुके हैं ना, है ना भाई। वो बहुत जो 7 साल का ट्रैक था ना वो ये बोलते 3 किलोमीटर है, लेकिन भाई वो कम से कम 5-5.5 किलोमीटर का आराम से होगा और बहुत खड़ा है। गाइस आपको एक बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपने बहुत सारे कैंपिंग वाले वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के देखे होंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं होटल के पास कैंपिंग करते हैं कहीं पहाड़ में, जैसे उनके जान पहचान में रिलेशन में होटल होता है, होटल के पास कैंपिंग करते हैं और असली एडवेंचर नहीं करते हैं। वो रात को मतलब आपको खाना बनाते हुए दिखा देते हैं और कैंप में मतलब ऐसे करके स्लीपिंग बैग में सोते हुए दिखा देंगे, लेकिन सोते हैं जा करके होटल में। तो असली जो कैंपिंग करने वाले हैं वो देहरादून का लड़का और 135 राइडर करने वाले हैं, बिल्कुल खतरनाक वाली कैंपिंग करने वाले हैं। ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पर तो होटल्स है ही नहीं, हमने गांव वाले से परमिशन ले रखी है यहाँ पर कैंपिंग करने की। तो भाई थोड़ी सी हमने लकड़ियाँ भी ढूंढ ली हैं, बॉन फायर का तैयारी करते हैं। ये देखो भाई कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर के आ गए हैं अपन लोग, इनको अब थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं और फिर फुल एडवेंचर करेंगे, थोड़ा सा हाथ सेकेंगे और फिर थोड़ा सा अपना खाना वाना भी बनाएंगे यार, बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। तो भाई अभी बाहर बॉन फायर कर लिया अपना, मस्त मस्त करके आग सेक रहे हैं और इधर अपना पोर्टेबल गैस में रख दिया है एग बॉयल होने के लिए। आज भी जिम्मेदारी ली है हमारे रोहित भाई ने, देखते हैं क्या बना करके देंगे, जो भी बना कर देंगे टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि जो मैगी बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनाई थी भाई ने। और बाकी हाथ सेक रहे हैं रात को बैठ करके। हाँ का जाने का टाइम आ गया है। कहाँ जाने का टाइम भाई? मैं सोने जा रहा हूँ सर, आज थोड़ा थकान लग गई, 7 दिन से ट्रैक भाई पिछले 7 दिन से ट्रैकिंग कर रहा है, मेरे को तो सुन करके हैरानी हो गई, 7 डे से ट्रैकिंग कर रहे हो यार, बॉडी तो पेन करना बनता ही है यार। जी जी करने यार, बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई, फिर आप जाओ आराम करना, ठीक है भाई। तो गाइस अभी पता लगा मुझको कि जहाँ पर हमने आज ट्रैक किया था, यानी कि 7 ताल जहाँ पर हमने मैगी बनाई थी, हमने अपना जो है चाकू नाइफ ऊपर ही छोड़ दिया। तो अभी चलता हूँ भाई के पास, वहाँ से नाइफ ले लेते हैं, जिनके कि हम यहाँ पर जिन्होंने हमें रुकने की परमिशन दी है, तो उस भाई के पास चलते हैं और वहाँ से नाइफ लेकर के आते हैं। तो भाई इधर अपने प्याज और टमाटर कट के तैयार हो चुके हैं और उधर अपने रखे हुए हैं राइस, जो कि रखे हुए हैं बूटेन गैस पर, छोटे पोर्टेबल गैस पर। तो भाई अभी प्याज जा चुकी है अपना ऑयल के अंदर और उसके बाद रोहित भाई क्या जाएगा? टमाटो। तो फिर चलो फिर टमाटो भी लेकर के आ जाते हैं। तो भाई टमाटर भी लेकर के आ जाते हैं, टमाटर हाँ डालेंगे नहीं अभी, यहाँ पर अपना सारा सामान रख दिया और इधर अपना राइस बन राइस बन चुका है। अभी प्याज थोड़ा सा फ्राई हो चुका है और यार ये प्लास्टिक का बैग थोड़ा जल ना जाए थोड़ा सा साइड कर देते हैं। बाकी भाई एक सिलेंडर हमारा ख़त्म हो चुका है जो कि हम पहले से ही यूज़ कर रहे थे, अपनी प्याज रेडी है। यार अपनी जो कैंपिंग है वो इतनी अच्छी जाएगी इसकी उम्मीद तो मुझको भी नहीं थी यार, हर चीज़ अवेलेबल है हमारी कैंपिंग में, जो भी हम सोच सकते हैं, पावर बैंक्स हमारे पास है, पूरी लाइट्स हमारे पास है, इवन 3-3 लाइट्स हैं और पावर बैंक भी सारे चार्ज है, बोन फायर हमारे पास है, पेट्रोमैक्स हमारे पास है, कुकिंग का सारा सामान हमारे पास है। वैसे मैं इस तरह से नहीं निकला था कि मतलब इतना अच्छा खासा एडवेंचर होगा यार, लेकिन यहाँ पर आकर के पता चला लाइफ बहुत अलग है यार।
तो गैस अभी इसमें जा चुका है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ी सी गैस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है ना। अब हुई है थोड़ी तेज, नहीं ठीक है लग भी जाएगा कहीं, आप तो हम कुछ भी खा लेंगे। बाकी अब जो है आग थोड़ी कम रह गई है और हमारा खाना भी लगभग लगभग बनने वाला है, तो इसलिए हम इसमें अभी नहीं डाल रहे हैं ज़्यादा लकड़ियाँ, लकड़ियाँ तो हमारे पास रखी है। तो भाई अभी हमारी ग्रेवी जो है अब रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल दिया है इसमें सब्जी में, और खुशबू जो आ रही है ना वो बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। मतलब रोहित भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने सिर्फ चम्मच पकड़ी आपको दिखाने के लिए, सच ही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिसकी मर्जी कसम खिला लो आप यार। तो भाई अब लाइट हिल रही है, तो भाई अब अपना खाना बना करके हम कैंप के अंदर लेकर के आ गए हैं, और दोनों भाई बैठ करके अपना डिनर करेंगे, प्यारा प्यारा था, बढ़िया बढ़िया था। वैसे मैं सही बताऊँ ना, हमारा अंदर आने का रीज़न है क्योंकि बाहर ना अभी काकड़ दिखाई दिया था, काकड़ होता है कुछ मतलब जैसे हिरन टाइप आप समझ सकते हो, कुछ वैसा ही लगभग लगभग होता है काकड़, तो हमने सोचा सेफ्टी फर्स्ट, तो हम कैंप के अंदर आ गए। रोहित भाई ने बहुत ही खुशबूदार खाना बनाया है, टेस्टी तो मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन खुशबू जो आ रही है ना बहुत ही अच्छी बनाई है भाई, थैंक यू। चलो देखते हैं। भाई सच बताऊं मैं टेस्ट कर चुका हूं और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो भाई बढ़िया बढ़िया सा अपना डिनर हो चुका है, रात का यम्मी था, टेस्टी था, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और अब तैयारी करते हैं सोने की। तो सामान तो हमने पूरा का पूरा साइड कर दिया, अब हम आ गए हैं स्लीपिंग बैग के अंदर इस तरह से करके, और अब हम स्लीपिंग बैग को ओढ़ेंगे और आराम से सोएंगे। हमारा पूरा डे अच्छा रहा, पूरा डे का मतलब है जितना भी जो भी हुआ आज हमारी पूरी लाइफ में, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहना और मेरे पुराने वीडियो देखते रहना क्योंकि आपको पता ही है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो फिर गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।